स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं रिचर्ड ब्रिंसले श्रेडन के बारे में। जी हाँ, ये एक आयरिश सटायरिस्ट थे, प्ले राइट थे, पोइट थे और लॉन्ग टर्म ओनर भी थे लंदन थिएटर रॉयल की। और बहुत ही मशहूर वर्क्स लिखे हैं इन्होंने, जिसमें से एक जो सबसे मशहूर रहा है उसकी हम बात करेंगे। इनका पॉलिटिकल वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि ये इन्होंने ज्वाइन कर रखा था उस ज़माने में, जो है दो ग्रुप्स में बटा हुआ था इंग्लैंड पॉलिटिकली, विग्स और टॉरीज में। तो वो विग के मेंबर थे और इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। और ये भी उन खास लोगों में से है जिनका जो अंतिम संस्कार है, जो पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबी है, वहाँ पे इनको जो है अंतिम विदाई दी गई। तो ये सब खास बातें हैं इनकी। अब बात करते हैं इनके कामों की वजह से, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। जी हाँ, बहुत ही गजब की चीज़ है ये। एक कॉमेडी ऐसी जो आपके इमोशंस के साथ खेलेगी, आप करते करते कहीं और चल जाएंगे। इसको आर्टिफिशियल कॉमेडी भी कह देते हैं, जिसको आप पढ़ ही रहे हैं। और कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है कि वो खाली खाली विक्टोरियन एरा के अंदर ही कहीं ना कहीं बसी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंटर जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, उसकी शुरुआत करने वालों में से ये हैं, जो कि विक्टोरियन एरा के बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं, ये उससे कहीं पहले के हैं, रेनेसेंस पीरियड के हैं ये। तो हम बात करें कि किस तरह से इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को हाईलाइट किया, और रेस्टोरेशन पीरियड के हैं और उस ज़माने में इन्होंने स्टार्ट करा, और आर्टिफिशियल और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी को इतनी अच्छी तरह मिक्स किया। इन सब के बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर इसको रोमांटिक कॉमेडी भी कह सकते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है ये, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं आज, वो है द राइवल्स। जी हाँ, बहुत ही खास वर्क है और ऐसी एक कहानी है। हो सके तो मुझे सही करने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कि क्या ये सही है कि इनकी शादी नहीं हो रही थी, और जब इन्होंने लड़की के पिता को प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा कोई वर्क चलता तो है नहीं। तब उन्होंने कहा कि और कोई वर्क चलाना चले, लेकिन ये वर्क ज़रूर मेरा हिट होगा, और वो वर्क है द राइवल्स। जी हाँ, बहुत ही खास नाम है इसके अंदर। आप देखें, नाम भी है वो भी सिंबॉलिक है इसके अंदर, सर एंथनी एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट खानदान के हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट। जिस तरह अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो, तो उसके अंदर वासेपुर में जैसे कैरेक्टर्स के नाम हैं परपेंडिकुलर वगैरह, ऐसे ये भी कुछ उससे जुड़े हुए हैं, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कैरेक्टर के हैं। फैग है, मेलविल है, और एक और मशहूर कैरेक्टर जिसके नाम से एक लिटरेरी टर्म बनी हुई है, वो भी इसी वर्क से है, वो देखिए देख सकते हैं आप, मिसेस मैलाप्रॉप। जी हाँ, यहीं से ये वर्क निकला हुआ है, और ये स्टोरी बहुत मशहूर रही है। इसको टेलीविज़न पर भी अडेप्ट किया गया है, कैरेक्टर्स के नाम आप देख सकते हैं, और फार्स मिस्टेकन है ये, लेकिन ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आती है। बहुत ज़्यादा पसंद करी ये वर्क, इसके इतनी बार अडेप्टेशंस हुए हैं, अलग अलग म्यूजिकल अडेप्टेशंस हुए हैं, मूवी अडेप्टेशंस हुए हैं, मिसेज मैनर, और कई सारे वर्ड्स, कई सारे फ्रेजेस बहुत ज़्यादा मशहूर करे हुए हैं इसमें से। यहाँ तक कि इसकी एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में तो खुद क्वीन मैरी भी आई थी, ये बात है 1950s की। तो आप देख सकते हैं कि इसको कितने अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया था, और बहुत ही ज़्यादा पसंद करी जाने वाला वर्क है। कहानी बड़ी शानदार है, अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ इसकी, बहुत छोटी सी कहानी है कि हम तीन चार कैरेक्टर्स हैं, वो जो है वो मिलते हैं, और बहुत ही भद्रतापूर्वक जो है वो उनका युद्ध भी होता है, वो भी है, और उसको एंड में ये इनको सबको जो है क्वीन मिल जाती है। तो इस छोटी सी इसमें से कहीं ने कहा एक अलग अलग कैरेक्टर का जो है, जिसे हम कहते हैं कि एरर्स है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसका कुछ मिक्सअप है। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को खुद पढ़ें और इस प्ले को देखें, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत ही खास स्टोरी है ये। सम अप करते हुए हम कह सकते हैं कि शाइडन ने मॉडल किया है, रेस्टोरेशन माँ को मास्टर करा, और कॉमेडी बहुत ही विटी है, ह्यूमरस है, सटायरिकल है, और सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह समझती है उस जमाने की, फैमिली बैकग्राउंड को। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए किताबें, अपने व्यूज शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कीजिए किताबों के बारे में। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, जितने बढ़िया बढ़िया वर्क्स पढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा आप में उत्सुकता आएगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, और
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, धन्यवाद।